अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल फार्मूलाज प्रूव करने के बाद अब हम एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं जी 10.3 एक्सरसाइज की। तो आइए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जांपल 1 है, कहता है जी प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन टू ए ओवर 1 प्लस कॉज ए प्लस कॉज टू ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए। लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, साइन ए प्लस साइन टू ए 1 प्लस कॉज ए प्लस कॉज टू ए। इन टू कॉस ए, जैसे हमने किया था साइन टू थीटा, साइन टू थीटा बराबर था टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा के। अगर एंगल थीटा था तो थीटा पर फार्मूला लिखेंगे, ए है तो फार्मूला ए में आ जाएगा। कॉस टू ए, इसके तीन फार्मूले थे जिसमें से एक फार्मूला मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। कॉस टू ए बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया ताकि ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाए। अब आप इन दोनों से देखिए, साइन ए कॉमन आ रहा है, साइन ए कॉमन लेंगे यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा टू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉमन लेंगे यहाँ वन और टू, ये पावर टू है तो यहाँ इसकी एक पावर रह जाएगी और वन प्लस कॉस टू ए वन प्लस कॉस टू ए से कैंसल। और साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये हमारे पास हो जाएगा जी टेंजेंट ए और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने इस सारी एक्सप्रेशन को प्रूव करना था टेंजेंट ए फार्मूला, इसमें साइन टू ए का लगा है और कॉस टू ए का फार्मूला लगा है जी। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रूव करना है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसे हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, बड़ी साइड से छोटी साइड पे आना आसान होता है, वरना क्वेश्चन दोनों से सॉल्व हो सकता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। मैं इसमें राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ, 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसमें तो सबसे पहले आप देखें फार्मूला कोई अप्लाई हो सकता है या नहीं। भाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ग्रेड 10 में भी, क्लास 10 में भी हम पढ़ चुके हैं और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये क्वेश्चन फार्मूला जो है वो चैप्टर नंबर 9 में भी था। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, 2 टेंजेंट थीटा को मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये जो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर के, और यहाँ से एक स्क्वायर इस कॉस से कैंसिल, बाकी रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि साइन 2 थीटा बराबर है जी 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड लेके हम आंसर ले आए हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप इसमें देखिए, कॉस 2 थीटा को हमने प्रूव करना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसमें भी आप राइट हैंड साइड लिख लें, राइट हैंड साइड 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा
ओवर वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसमें ये जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा है इसे मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और जो वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला हम सीकेंट स्क्वायर थीटा भी लगा सकते हैं, या इस वक्त आप इस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लिख लें साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों मैंने ऐसे लिखा अभी नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ एलसीएम देखें तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जाके वन से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा वन से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये वाला एलसीएम इस एलसीएम से कैंसल हो जाएगा, और आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगेन ये फार्मूला है कॉस टू थीटा का। कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी है ये वन हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा जी कॉस टू थीटा, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जी। हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट लिया था और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आप यहाँ से भी स्टार ले सकते हैं कॉस टू थीटा से भी, और इसका सलूशन ये है कि वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को आप सीकेंट स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी हमारी जी एग्जांपल नंबर वन और एग्जांपल नंबर टू। आज के लिए इतना ही है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।